नायक साहब कब्जा करना चाहता है हमारे धंधे पर। कौन? सरदार खान। सरदार? सरदार कौन है बे? वही जो पिछले साल भैया के पास आया था मिलने के लिए, जानवर गिरवाने थे। साला वो कब से इतना बड़ा हो गया? फोन लगा उसको, स्पीकर पे डाल। नहीं उठाएगा, उससे बात की थी, कह रहा है मिलना है तो उसके पास आना पड़ेगा। अभी हम 10 आदमी बेचते हैं, क्या कर लेगा वो? है साला कल तक हाथ जोड़ता था और आज हमसे सौदेबाजी करेगा। छोटे भाई मैं बता रहा हूँ, काट डालूंगा उसको। छोटे बच्चा कोई जानवर काटना चाहता है तो काटने दो, मजा लेना चाहता है तो मजा लेने दो। उसके मुंह लगोगे, बराबर बैठोगे तो अच्छा लगेगा क्या? तो अब क्या करें भाई? जिसका जानवर है उसके डेरे पे बुलाओ, देख लेते हैं उसको। क्या फेर दौड़ होगी शुरू, देखो कि मैं जा रहे हैं एंड लाइन दे वालों, ओ होगी एंड लाइन, ए तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी में जेतू रही है जी। क्या कर रहा है यार? वापस आओ, वापस वापस आओ, वापस वापस आओ। चलो 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 उतरो, वापस उतरो। अरे कहाँ लिखा है कि सिर्फ एक ही कसाई हो सकता है? आप बोलो तो अभी काट के दिखाते हैं आपको। दिखाओ अब्दुल का पूरे, दिखाओ इनको। जानवर हमारे लोगों का, डील कर चुके हैं हम, और ये जो तुम धंधे में उंगली कर रहे हो ना, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। सोच समझ के बात कीजिए रजाक साहब, बाप को मत सिखाइए कि ये रहा जानवर का बयाना। पूरे 10 रुपए में डील किए हम। 10 रुपए में? साले तुमको पता है हमारे आगे तुम्हारी औकात क्या है? भूत नीचे। आप अगर बैठे रहेंगे तो सभी के लिए अच्छा होगा। रजाक साहब आज चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, रेता पिछवाड़े के नीचे ही है। जानवर तो मैं ही काटूंगा।